जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। आज मैं आपको यूपी पुलिस के लिए जो स्पेशल जीएस की बुक्स होती हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि कहीं सारे स्टूडेंट्स जो मुझको फॉलो करते हैं वो बोलते हैं भैया मुझे यूपी जीएस की बुक बताइए, यूपी जीएस की करंट अफेयर बताइए, थ्योरी बेस पे एक बुक बताइए जिससे कि हम यूपी पुलिस कि जो वैकेंसी आएगी उस पर जीएस में अच्छी कमांड बनाते हुए एक अच्छा स्कोर करेंगे। कई दिनों से मैं देख रहा था कुछ बुक्स, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं थी और मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त था, थोड़ा टाइम निकाल के आया हूँ। आप देख सकते हैं मौसम भी आजकल बहुत ख़राब चल रहा है तो वीडियो में वो क्लियरिटी नहीं आती है, और क्लियरिटी नहीं आती तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि आज की जो बेस्ट बुक रहेगी आपके पढ़ने के लिए यूपी जीएस की वो कौन सी रहेगी। देखिए सबसे नंबर वन पर जो बुक मैंने सर्च की, मैंने खुद पढ़ी थी ये बुक, सारी बुकों को मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, तो वो बुक है परीक्षा वाणी। यूपी जीएस के लिए परीक्षा वाणी की जो 2021 का एडिशन है, समग्र अध्ययन या समग्र ज्ञान यूपी जीएस को लेकर, वो बेस्ट है। उसमें बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ समझाई गई है। लगभग वो बुक का रेट 130 है, लेकिन आपको डिस्काउंट करके लगभग 100 के आसपास पड़ेगा। 2021 की परचेज करनी है, जिस पे पुरानी है वो भी चल जाएगी, पुरानी वाली 2016 से 17 का एडिशन है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस है, इसमें 12-13 पन्ने थोड़े एडवांस हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। और ये बुक बहुत ही अच्छी है थ्योरी बेस के लिए, क्योंकि थ्योरी बेस ये होता है कि हम कोई चीज़ भूलते नहीं है और हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। ज्ञान अगर आप पे ज़्यादा है तो आप समाज में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, बिना ज्ञान के आपको समाज में कोई भी नहीं पूछता है। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत ज्ञान दे दूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ये थ्योरी बेस आप पढ़ेंगे तो इसमें एक एक चीज़ दिया गया है। सेंसस 2011 वाला ही चल रहा है, उस पर कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। स्टैटिक जीके को आप तैयार करोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करोगे। इसमें नदियाँ वगैरह, पर्वत, जो भी चीज़ें यूपी के क्षेत्र में पड़ती हैं, कृषि हो गया, पक्षी हो गया, यहाँ का वातावरण हो गया, यहाँ की खेती बाड़ी, जो भी चीज़ें हैं वो सारा अच्छे से डिटेल में दे रखा है, चार्ट बना रखा है, हर चैप्टर वाइज एक चार्ट होगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको आपको कैसे पढ़ना है, शुरू से स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज पढ़ना है। और हाँ, अगर आपके पास रिवीजन आपको करना है, इसको कैसे रिवीजन करना है, इतनी बड़ी थ्योरी है, एकदम जल्दी जल्दी बाजी में अगर आप इसको रिवीजन करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मेन खास चीज़ होती है रिवीजन करना। आप पढ़ लेते हो और बाद में रिवीजन नहीं कर पाते हो तो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होता है। रिवीजन के लिए वन एंड ओनली बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी वो घटना चक्र की बुक है, करंट अफेयर की 2021 एडिशन आपको लेना है। एक चैप्टर इसका लगाना है, एक चैप्टर करंट अफेयर से आपको क्लियर करना है। इससे क्या होगा, जो आपका रिवीजन होगा वो बहुत ही फास्टली हो जाएगा। थ्योरी से हम बोर हो जाते हैं, कई सारा पोर्शन छोड़ देते हैं, लेकिन करंट अफेयर से क्या होगा, आपके वो पॉइंट क्लियर होंगे और रिवीजन भी जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी का एक चैप्टर क्लियर करना है, फिर इसके चैप्टर पर आना है और उसका करंट अफेयर करना है। उसमें थोड़ा करंट अफेयर 1 जून से 1 जुलाई तक का है, 2020 से 2021 तक का, कुछ उसमें अपडेट है करंट अफेयर, और कहीं सारे जो स्टैटिक जीके के यूपी जीएस के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वो कवर है। मैंने अच्छे से देखी है और मैं कोई भी बुक आपको गलत नहीं बताना चाहता हूँ। देखिए ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास आपकी चाबी है। खजाने तक पहुँचना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। ज्ञान को अर्जित नहीं करोगे और यूपी पुलिस की वैकेंसी या यूपी पुलिस की जॉब या यूपी पुलिस की वर्दी आप पहनने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आप बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खजाने तक पहुंचना है, चाबी आपके पास होनी चाहिए अभ्यास की, आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप ज्ञानी बनोगे तो आप परिवार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, अपने आस पास में लोग आजकल उसी को जानते हैं जिसके पास ज्ञान है, कोई ऐरे गैरे को नहीं जानते, ना ऐरे गैरे को कोई भी पूछता है। इसलिए अभी से पढ़िए, वैकेंसी के बारे में चिंता मत करिए, ये एक बहाना है अपने, अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पढ़ते जाइए। यूपी में एक ही, ऑल इंडिया में एक ही यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी है,
ठीक है, आपको नीड है, पैसों की नीड है, मैं समझ सकता हूँ, सभी को इस पैसे की नीड है और उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेहनत करिए, वैकेंसी जब आनी होगी आ जाएगी। मेरे साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत ही गंदी बात है। आप कमेंट करोगे तो मेरी निगाहों में बस बने रहोगे और मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता रहूँगा। जिसको भी कॉन्टैक्ट चाहिए है मेरा, वो मेरा कॉन्टैक्ट ले सकता है, मुझसे बात कर सकता है पर्सनली। हाँ, मैं उससे ही ज़्यादा बातें करूँगा, उसको ही कॉल पे बातें ज़्यादा करूँगा, जो मेरे को फॉलो करता है, जो मेरे को कमेंट करता है, उसी से मैं बातें करूँगा। अंत में, मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद साथियों।